हेलो दोस्तों, आपने पिछले दिनों सुना होगा मनुष्य के इतिहास में पहली बार ब्लैक होल की फोटो ली गई है। अभी तक ब्लैक होल हमारी कल्पना का हिस्सा रहे थे और अभी तक जो भी ब्लैक होल की फोटो जो आपने देखी होगी वो हमने पिछले एक शताब्दी की रिसर्च के आधार पर बनाई थी जो कि असली। जब से आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में बताया था इस पर अनगिनत किताबें लिखी गई थी। तो ये ब्लैक होल का मानवता की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जिसको कम करके नहीं आंका जा सकता। 10 अप्रैल 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप या EHT ने इसका फोटो जारी किया था। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में मौजूद वो वस्तु है जिसकी ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी हो जाती है जिससे लाइट भी नहीं निकल सकती। जब कोई बड़ा स्टार अपना ईंधन खत्म कर देता है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको अपने केंद्र की तरफ गिराना शुरू करवा देती है। ऐसा होने से स्टार में बहुत बड़ा विस्फोट होता है जिसको सुपरनोवा भी कहते हैं, जो कि इतना चमकीला होता है कि पूरी गैलेक्सी की चमक फीकी पड़ जाती है। ब्लैक होल काले इसलिए होते हैं कि वो लाइट को अंदर से बाहर नहीं जाने देते। ये छोटे भी हो सकते हैं, मध्यम भी, और कई इतने बड़े हो जाते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। ये भयावह ब्लैक होल ज़्यादातर गैलेक्सीज या आकाशगंगा के बीच में मौजूद होते हैं। जैसे हमारे ही आकाशगंगा की मध्य में जो ब्लैक होल है उसको सैजिटेरियस ई स्टार भी कहा जाता है। ये 40 लाख सूर्य के बराबर हो सकता है। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड के जन्म के राज नहीं होते। ये ऐसी जगह है जहाँ पर भौतिकी यानी कि फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक साथ काम करते हैं। इस फोटो का क्या महत्व है? अभी तक हमने ऐसे स्टार्स की फोटो ली थी जो किसी अदृश्य चीज के चारों ओर पर जिनमें उनका केंद्र या ब्लैक होल नजर नहीं आ रहा था, या हमने ब्लैक होल टकराने की वेव्स रिसीवर पर रिकॉर्ड करी थी। ब्लैक होल की अभी तक की सारी ऐसी फोटो हमारी अपनी रचना ही थी। ये ब्लैक होल जिसको M87 भी कहा जाता है वो हमसे 550 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका आकार अविश्वसनीय है। ये सूर्य से 6.5 अरब गुना है, जो इसको सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल से कहीं ज़्यादा बड़ा बना दिया। इसकी फोटो कैद करना आसान नहीं था। एक वैज्ञानिक के अनुसार एक संतरा जो चांद पर है उसकी फोटो खींचने जैसा था। ये फोटो कैसे खींची गई? EHT में कई सारे टेलीस्कोप धरती पर अलग अलग जगह रखे हुए थे। इन सब ने 4 दिन तक इस ब्लैक होल को देखा, डेटा रिकॉर्ड किया। उसके बाद ये सारा डेटा जो कि 5 पेटाबाइट या 5000 अरब बाइट था उसको एक जगह लाके एक साथ सिंक्रोनाइज किया गया और फोटो तैयार की गई। इस फोटो के आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी जो 100 साल पहले दी गई थी यहाँ पर खरी उतरती है। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक अब इसका वीडियो भी जारी करने वाले हैं जो कि बहुत ही रोचक होने वाला है। तो दोस्तों, ये था ब्लैक होल की हाल में खींची गई फोटो का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलो। आपके सुझाव नीचे कमेंट्स में लिखिए और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।